गाइस आई हैव अ बिग न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि इंडियाज बिगेस्ट सेल मतलब अमेज़न प्राइम डे सेल इज लाइव नाउ। मार्क योर कैलेंडर्स ऑन 15 टू 16th ऑफ जुलाई एंड गेट अप टू 80% तक ऑफ ऑन योर फेवरेट फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स गाइस। ऑल्सो अप टू 25% कैशबैक ऑन योर फर्स्ट परचेज, बट टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं ना, तो 15 टू 16th ऑफ जुलाई को ना प्राइम डे सेल है, तो प्राइम मेंबर्स जो है ना उनको अमेजिंग ऑफर्स मिलने वाले हैं उनके फेवरेट फैशन और ब्यूटी ब्रांड्स पे। मैं तो प्राइम मेंबर हूँ, आप भी प्राइम मेंबर बन जाओ, क्योंकि अगर आप प्राइम मेंबर हो ना आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। अर्ली एक्सेस कर सकते हो आप सेल्स को, वन डे डिलीवरी आपको मिल जाती है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। फर्स्ट ना चेक कर लो अमेज़न को। सो गाइस, मैं हूं रचिता और आप देख रहे हैं दैट लाइम गर्ल रचिता। फर्स्ट ना सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि आपके लिए मैं ढेर सारे कंटेंट वहां पे भी शेयर करती रहती हूँ। विदाउट एनी फर्दर लेट्स क्विकली स्ट्रेट डाइव इनटू द वीडियो। इस वीडियो में ना मैं आपके साथ अपना लुक शेयर करने वाली हूँ, बट डोंट बी कंफ्यूज गाइस, ये लुक नहीं है मेरा, लुक तो मेरा कुछ और ही है। मुझे ना सच बताऊं तो अमेजोन से शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इजी एक्सचेंज हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, ऑफर्स वगैरह रहते हैं, वेराइटीज रहती है, ब्रांड्स रहते हैं, मजा आ जाता है शॉपिंग करने में, और इधर उधर कहीं ना कोई सेल, डिस्काउंट, कैशबैक तो मिलते ही रहते हैं। सो ऐसा लगता है कि यार इतना खर्चा होने वाला था, अब इतना नहीं हो रहा, पर सामान इतना मिल रहा है, खर्चा इतना सा हो रहा है। सो बड़ा मजा आता है, इसीलिए मैं ना फटाफट से जैसे कुछ लगता है ना नया आ रहा है भाई, सबसे पहले मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो इस बिना मैंने काफी कुछ खरीदा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ कॉर्ड सेट, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हुआ है, मुझे कॉर्ड सेट इतने पसंद आ गए, हर पैटर्न का कॉर्ड सेट ले लेती हूँ मैं। ये है मेरा पहला सिलेक्शन, तो आप बताओ आपको कैसा लगा। अभी तो खोल के दिखाऊंगी, पता लगेगा कैसा है ये, बट प्रिंट देखो गाइस, आप प्रिंट ना इसका बहुत अच्छा है, जो समर वाइब्स दे रहा है आपको, मॉनसून वाइब्स दे रहा है। इतनी 3-4 टाइप की स्लीव्स आ जाती है, और यहाँ पे ना इलास्टिक लगा हुआ है, सो अच्छे से ना यहाँ तक मतलब प्रॉपर ऐसे ग्रिप बनी रहती है, और इसे बलून टाइप की आती है, लुक अच्छा लगता है मुझे इसका। गाइस फ्रंट एंड बैक में डिजाइन सेम ही है, बस यहाँ पे ना एक बटन लगा हुआ है, थोड़ा सा इसमें लुक आ जाता है, और नेक में ना आपकी फिटिंग आ जाती है। इसका बॉटम दिखा दूं ना मैं, अमेजिंग है। आप सबसे पहले तो इसका इलास्टिक देखो, कितना मस्त इलास्टिक है इसका, और ये ना आपकी पूरी वेस्ट को सपोर्ट करता है, मतलब थोड़ा बहुत टमी इधर उधर से अगर झांक भी रहा है ना बाहर की तरफ, उसको अंदर की तरफ कर देता है, तो टमी बाहर नहीं निकलता है आपका, बड़ी अच्छी फिटिंग आती है। मैंने इसको ट्राई करके देखा था और सोचा कि फटाफट से पहन लूं, मुझे कहीं जाना, बट मैंने कहा नहीं, सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद ही इसका उद्घाटन होगा, मैंने इसको पहनना शुरू करना, इसीलिए अभी तक टैग भी नहीं हटाया कि कैसे हटाओ, आपके साथ शेयर नहीं किया ना। तो मुझे ना इसको थोड़ी सी ऑल्टरेशन करवानी पड़ेगी, इसको यहाँ से थोड़ा सा कट करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो ये काफी लंबा आ रहा है। तो बस आप ये देखो कि कितना ज्यादा प्यार है, कितनी अच्छी वाइब्स दे रहा है, आप इसको पहनोगे तो आपको एकदम समर की वाइब्स आ जाएंगी। सच बता रहे हैं, कहीं गेट टुगेदर में भी जा रहे हो तो भी ये बड़ा काम आएगा, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या लेट नाइट पे जा रहे हो, तब भी ये हर एक ओकेजन पे ना आपके एकदम फिट बैठने वाला है। बहुत ही अच्छा सा मिनिमल सा मेकअप करो, बूट्स पहनो, अच्छा सा परफ्यूम लगाओ, बैग लो और निकल लो। इसे सारे सजेशन दिए आपको, तो बताऊंगी इसके साथ और क्या लिया, क्योंकि लुक है तो डिकोड तो करूंगी धीरे धीरे। कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये कैसा लगा। मुझे ना ये थोड़ा सा बेज और न्यूट्रल से टोन में ये चाहिए था, क्योंकि ब्राइट कपड़े हो गए हैं काफी ज्यादा, बट अगर आपको इसमें कोई और कलर देखना है या प्रिंट भी देखना है तो भी आपको वो मिल जाएगा बड़ी आसानी से, बट अभी चेक कर लेना गाइस, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे ही सेल लाइव हो जाती है ना, सारी चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, फिर मेरे पास भर भर के मैसेज आते हैं कि दीदी ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो अभी अगर वीडियो देख लो ना, अभी के अभी चेकआउट करो, और जितना भी आपको सामान लेना है ना, जितनी भी शॉपिंग करनी है, फटाफट से कार्ट में डाल के अभी शॉपिंग कर डालो। मटेरियल भी सर काफी अच्छा है, समर फ्रेंडली, आपको मजा आ जाएगा पहन के। गाइस नेक्स्टली आया मैंने ये परफ्यूम, ये बॉडी क्यूबिड का है, एक्वा वेव ईयू डे परफ्यूम, बड़ा ज्यादा प्यारा है। टेस्ट करके तो मैंने देख लिया, क्योंकि बिना टेस्ट किए आपके साथ कैसे ही शेयर कर दूं कि अच्छा है या नहीं। तो ये देखो तो कितना एक्वा कलर है इसका, और उसकी खुशबू भी ना एकदम एक्वा जैसी ही है, तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड, सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, और ऐसा नहीं है कि आपको चढ़ेगी दिमाग में लगेगी, नहीं, तो एक से दो स्प्रे भी करोगे ना गाइस, सीरियसली काफी सूदिंग भी है, स्ट्रांग भी है, मतलब मीडियम में आ जाती है। कल लगा के देखा था, 5-7 घंटे तो आराम से टिकी रही थी, कहीं गई नहीं थी, और एकदम होता है ना जैसे आप शादी पार्टी में कहीं जा रहे हो, कोई आपके सामने से गुजर जाता है, आप सोचते हो यार ये कौन सी थी, ये बड़ी अच्छी है, कौन सी, ये बस वही है। अगर आप किसी के सामने से ऐसे जाओगे ना, तो वो ऐसे
शुरू करेगा कि यार ये क्या था, ये क्या था, पूछ लूं क्या, पूछ लूं क्या। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता देना कि बॉडी क्यूपिड का एक्वा वेव है ये। बिना गाइस आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, बट मुझे ये पसंद था। क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि ये बहुत अच्छा, तो ये पक्का लेना, तो मैंने ये लिया। अब मैं आपको रिकमेंड करूँ कि भाई ये बहुत अच्छा, ये आप लोग जरूर लेना। थोड़ी बहुत सोच में तो पड़ गए होंगे कि भाई ये मेन के लिए है, विमेन के लिए है, तो ये दोनों के लिए है, कोई भी इसे लगा सकता है। तो मुझे तो गाइस वैसी यूनिसेक्स परफ्यूम ना मुझे बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि क्यों डिफरेंशिएशन करना लड़कों में लड़कियों में, जो है अच्छा है सबको लगाना चाहिए। मिल बांट के हम सह परिवार लगाएंगे, सो हम तो इसी को लगाएंगे। सो गाइस इसको भी ना फटाफट से चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिस्काउंटेड प्राइस दे दिए हैं। मैं लुक डिकोड करूं अपना, कोई आपको एक अच्छी सी प्यारी सी आउटफिट दिखाऊं और उसके साथ बेल्ट ना दिखाऊं तो कैसे ही चलेगा। सो ये बेल्ट आप देख रहे हो बड़ी ज्यादा प्यारी। अब आप सोच रहे हो कि ये बेल्ट पहननी कहाँ है, क्योंकि क्रॉप टॉप तो यहाँ आ जाएगा और बॉटम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप इसको बॉटम के ऊपर पहन सकते हो, क्योंकि क्रॉप टॉप यहाँ आ गया, बॉटम यहाँ आ रहा है, तो बॉटम के ऊपर ना ये बड़ा ज्यादा कूल लग रहा है। मैंने ट्राई करके देखा, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सोचा कि ये भी एक होना ही चाहिए, बड़ा ज्यादा प्यारा है ये। और इसके साथ भी ना साइज का ऐसा कोई इशू नहीं है। आप ये देखो बेल्ट तो ये इतनी है, बट ये स्ट्रेचेबल है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की। आप इसको ना कहीं तक भी ना देखो स्ट्रेच कर सकते हो। इसको पहनना भी बहुत ज्यादा आसान है गाइस, ये देखो इस तरीके से ना इजीली ये क्लोज हो जाता है और फिर इसके खुलने का कोई मतलब नहीं है। अच्छे से ना ये आपके लुक को कंप्लीट करता है। तो गाइस इसको भी चेक जरूर करना। यहाँ पे ये ऐसा लेदर मटेरियल और यहाँ पे ये पूरा इलास्टिक है, जो कि सच में बड़ा अच्छा है। सनी की ये बेल्ट आप इसके साथ लगा सकते हो, आप किसी के साथ भी लगाओ, ये आपको बड़ी ज्यादा प्यारी लगेगी। बट हाँ मैं आपको प्रीफर कर चुकी हूँ वेस्टर्न वेयर के साथ ही लगाना, एथनिक के साथ आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ जा पाएगी, बट वेस्टर्न के साथ तो किसी भी टाइप का वेस्टर्न हो ये बहुत अच्छी लगेगी। बड़ी ज्यादा सस्ती है, कुछ 200-300 के अंदर आ ही जाती है। आपको बड़ी ढेर सारी वैरायटी मिल जाती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सी लेनी। इसीलिए आपके साथ ऑप्शन शेयर किया कि अगर आप यही वाली भी लेते हो ना, ये बड़ी ज्यादा अच्छी है, उसको पहनना भी बहुत ज्यादा आसान है। और जब ये एक बार यहाँ पे लॉक हो जाती है ना, ये फिर नहीं खुलती है। आप सोचोगे चलते चलते ऐसे खुल जाएगी, ऐसे नहीं खुलेगी, ये को खोलना पड़ेगा आपको। जब भी हम बेल्ट वेयर करते हैं ना, वो हमारी जो लुक होता है ना उसको और एनहेंस कर देती है। सो मुझे तो लुक एनहेंस करने में बड़ा मजा आता है। तो अब नेक्स्ट मैंने अपने लुक एनहेंस करने के लिए क्या लिया है, वो है ये देखो कितने ज्यादा प्यारे इयररिंग्स कम स्टड्स है ये, मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे ये, क्योंकि मेरी जो ड्रेस है ना वो ऐसे न्यूट्रल सी है, तो ये भी मैंने इसी के मैचिंग का लिया है। तो आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। जो ड्रेस है ना मेरी वो तो थोड़ी मैच ही हो गई है, तो मैंने सोचा ये तो थोड़ा सा शिमरी बनता है ना लेना इसके ऊपर। ओह माय गॉड ये देखो कितना सुंदर लगेगा। फटाफट से ना इसको मैं पहन के दिखाती हूँ, आप मुझे बताओ कि ये आपको कैसे लगे। और ये ना सच में आपके वेस्टर्न एथनिक दोनों के साथ चल जाते हैं, बहुत बहुत सुंदर है और एकदम ना विजिबल है, दिखाई देते हैं कि हाँ आपने कुछ पहना है। और बहुत बार क्या होता है कुछ ऐसे इयररिंग्स होते हैं जो हमारे बालों में कपड़ों में अटकते हैं, ये बिल्कुल नहीं अटकेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि इनमें कोई वेट है, आपने कुछ पहना हुआ है अपने ईयर्स में। सो मुझे इसीलिए बड़े ज्यादा प्यारे लगते हैं। देखो एक तो शिमरी भी है और ऐसा नहीं है कि शिमर निकल जाएगा, ये ऐसा ही है। और यहाँ पे जो इसमें स्टड्स लगे हुए हैं ना वो भी बिल्कुल नहीं निकलेंगे, काफी मजबूत तरीके से ये लगे हुए हैं। इसमें क्वालिटी तो इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ना तो भी ये अमेजिंग है ना गाइस। तो इसको ना एक बार चेक कर लेना, दोबारा से आपको दिखा देती हूँ कि ज्यादा प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत। इसमें भी ना आपको ये तो मिलते ही मिलते हैं, आपको गोल्डन भी मिल जाता है। सो इफ इन केस अगर आपको गोल्डन चाहिए तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बट ट्राई जरूर कर लेना। ये बताओ ये आपको कैसा लगा, कितना ज्यादा क्यूट है गोलू मोलू सा है, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा, ट्रस्ट मी। और ये देखो इसके साथ कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है ना, ये एकदम बेज से न्यूड से कलर का, और उसके ऊपर ये ब्लू फ्लोरल प्रिंट बना हुआ और ये एकदम सॉलिड ब्लू में। ओ माय गॉड कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। इनको पहन के ना मैं कॉम्प्लीमेंट लेने वाली हूँ बहुत सारे लोगों से, क्योंकि मेरे पास है ये। सो इसको देखो ये कितना ज्यादा प्यारा बैग है, स्लिंग बैग है, बड़ा खूबसूरत है। क्वालिटी देखो इतनी अच्छी क्वालिटी है, लेदर मटेरियल है। फिर आपको ये छोटू सी ना इसे पॉकेट सी दे रखी है, कुछ भी रख लेना जो आपको पसंद आता है, जो आपका मन करता है। और यहाँ पे इसमें एक हैंडल दे रखा है, इसकी बेल्ट भी है वो इसके अंदर है। फटाफट से इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ना अभी तो भरा हुआ है ये सब, क्योंकि ताकि इसकी शेप जो है वो मेंटेन रहे। और इसकी जो बेल्ट है वो यहाँ पे है, बेल्ट भी दे रखी है। आपको जैसे कैरी करना है ना आप इसको वैसे कैरी कर सकते हो, इसको लगा के भी कैरी कर सकते हो और इसको हटा के भी। ये बट मैं सोच इसको ऐसे ही कैरी कर लूंगी, क्योंकि मेरा जो कॉर्ड सेट है उसके साथ ही ऐसे ना बड़ा ज्यादा कूल लगेगा। तो गाइस अगर अंदर से आपको दिखा दूं, सिंगल कंपार्टमेंट पर्स है और यहाँ पे एक छोटा सा कंपार्टमेंट दे रखा है विदाउट एनी जिप, कि थोड़ा बहुत आप सामान रख सकते हो। तो मैंने इसमें ना कुछ ऐसे कॉइन्स वगैरह ऐसे ही डाल दिए थे, रखे थे तो मैंने डाल दिए। अंदर से भी ना आप क्वालिटी देखो, मटेरियल
मटेरियल देखो, स्टिचिंग देखो, इतनी ज्यादा अच्छी है, मतलब इतने प्राइस में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको हाई फाई क्वालिटी मिलेगी, बट ये हाई फाई ही है, इक्विवेलेंट है उसके, क्योंकि कहीं से भी ना मुझे कोई फ्लॉज में ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मैं कहूँ कि यार सस्ता है तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये कमी है वो कमी है, कोई कमी मुझे नहीं लग रही है। आप कैरी करोगे ना किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये है कितने का। अब आपको जानना है कि कितने का, तो फटाफट से ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, क्योंकि वहां पे मैंने इसके डिस्काउंटेड प्राइस दे रखे हैं, और बड़ा सुंदर लगेगा आपको। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न भी मिल जाते हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना ये बहुत ज्यादा ना डिमांड में है, तो पता नहीं ये वाला आपको मिल पाएगा या नहीं, बट अगर ये वाला हुआ तो 100%, अगर नहीं हुआ तो सिमिलर पीस तो मैं आपको लिंक में दे ही दूंगी, क्योंकि इसको ना आप चेक करना, बड़ा ज्यादा क्यूटी पाई पर्स है ये। तो आपको इस टाइप की वीडियोस कैसी लगती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं कोशिश करूंगी आपके साथ ढेर सारी ना ऐसी और भी वीडियो शेयर करूं। अब हम रेडी हो ही गए हैं, ऑलमोस्ट तो रेडी हो ही गए हैं, तो फटाफट से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ड्रेस के साथ जो कॉट सेट है उसके साथ हमें पहनना क्या है, मतलब शूज क्या पहनने हैं। ये है मेरे शूज जो मैं पहनने वाली हूँ अपने इस कॉट सेट के साथ। सो आप ये देखो कितने ज्यादा अच्छे, ये अच्छे से मैच भी कर रहे हैं, और इनको कलर कॉन्ट्रास्ट देने के लिए इसीलिए मैंने वो डार्क सॉलिड से कलर ब्लू कलर का ना मैंने हैंडबैग लिया है, ताकि ये एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करें। आप ये देखो कितने ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ पे ना ऐसा पूरा गोल्डन वर्क हुआ हुआ है, काफी अच्छी है ये जो डिटेलिंग है ना, ये पार्ट मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और ये कम्प्लीटली व्हाइट है आजकल ना, मैं सही बता रही हूँ, व्हाइट इज इन ट्रेंड, बट धंधे होने का टेंशन रहता है, बट क्या करें, ट्रेंड है तो वो चीज तो लेनी ही है ना, तो मुझे लगा इसको ना ट्राई कर लेती हूँ। कंफर्टेबल है, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा पहन के। और क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, हमें इस टाइप की ड्रेसेस पहननी होती है, और हील भी चाहिए होती है बट शूज भी चाहिए होती है, सो ये उनका काम करता है, क्योंकि प्रॉपर शू है और उसके अंदर वेज हील दे रखी है, सो आपको ना बिल्कुल भी पैर नहीं दुखता है चलने में, और आपको मजा आता है, मतलब लगता है कि हाँ कुछ कॉम्फी से आपने पहना है पैरों में, क्योंकि जब तक आपके जूते कॉम्फी नहीं होते ना आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर ही नहीं सकते हो। सो इसको भी ना एक बार ट्राई कर लेना, इसमें भी आई थिंक कलर है, ये तो मैंने बेज और व्हाइट की कॉम्बो में लिया है, आप देख लेना आपको कौन सा लेना है। दिल पे पत्थर रखे व्हाइट लिया, बट अभी लग रहा है कि हाँ अच्छा किया जो व्हाइट लिया, क्योंकि व्हाइट सच में बड़ा प्यारा लग रहा है, और पहन के भी प्यारा लग रहा है। जो मेरा पूरा लुक है ना ये समर वाइब्स बड़े अच्छे से दे रहा है, तो फटाफट से ये लुक को चेकआउट करो, और सब कुछ मैंने लिया है अमेजोन से, तो उसको ना एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि अमेजोन पे ना इजी रिटर्न हो जाता है, इजी एक्सचेंज हो जाता है, ढेर सारी वैरायटी मिल जाती है, ऑफर्स लगे रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स रहते हैं, अमेजिंग चीजें लगी रहती है। और आपको तो पता है ना 15 से 16 जुलाई प्राइम डे सेल है, तो अगर आप प्राइम मेंबर हो तो सेल का फायदा उठा सकते हो, अगर आप नहीं हो तो फिर बन जाओ, इसमें टेंशन की क्या बात है। सो चलिए चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।